लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउंस. दिस इज लेट्स ट्राई 5 फ्रॉम योर कोर्स बुक. रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड नाउन विद द करेक्ट प्रोनाउन, देन रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं उन्हें आपको करेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना है. कृष्णा न्यू दैट अ बिग स्नैक लिव्स इन द वॉटर. हियर द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स नाउन वर्ड इज कृष्णा एंड यू हैव टू चेंज दिस वर्ड कृष्णा इंटू करेक्ट प्रोनाउन. इस कृष्णा वर्ड को हमें करेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना है. कृष्णा इज अ नेमिंग वर्ड एंड इट इज मस्कुलिन मीन्स मेल. कृष्णा जो है वह मेल है तो हम कृष्णा की प्लेस पर क्या यूज करेंगे, एच ई ही. एंड वी विल राइट दिस सेंटेंस लाइक दिस. ही न्यू दैट अ बिग स्नैक लिव्ड इन द वॉटर. द बॉयज वर प्लेइंग नियर द रिवर. हियर द नेमिंग वर्ड इज द बॉयज बट द बॉयज इज अ प्लूरल वर्ड. द बॉयज जो है वह प्लूरल है. हमें यहाँ पर बॉयज लिखा है मीन्स बॉयज का मतलब प्लूरल होता है. तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे. दे वर प्लेइंग नियर द रिवर. सी दिस टेबल वंस मोर टाइम. अगर हम सिंगुलर्स के बारे में बात कर रहे हैं मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम आई यू ही शी और इट प्रोनाउन्स यूज करेंगे. बट इफ यू हैव द प्लूरल सब्जेक्ट, हमारे पास प्लूरल मीन्स मोर देन वन है, तो हम वी यू और दे प्रोनाउन्स को यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज कृष्णास मदर वॉज वरीड. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णास मदर एंड कृष्णास मदर मीन्स फीमेल. सो वी विल यूज शी वॉज वरीड. नेक्स्ट द स्नैक रोज अप फ्रॉम द वॉटर. हियर दिस वर्ड दिस नाउन वर्ड द स्नैक एंड स्नैक इज एन एनिमल. सो वी विल यूज इट प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ द स्नैक. द स्नैक की जगह इट का यूज किया जाएगा. इट रोज अप फ्रॉम द वॉटर. नेक्स्ट इज कृष्णा एंड आई आर गोइंग टू प्ले. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा मीन्स वन अदर पर्सन एंड आई मीन्स आवर सेल्फ. हम खुद के बारे में और कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी विल यूज हियर वी प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ कृष्णा एंड आई. वी आर गोइंग टू प्ले. द फ्रेंड्स डांस्ड विथ जॉय. हियर द फ्रेंड्स आर द फ्रेंड्स इज अ प्लूरल नाउन. सो वी विल यूज हियर दे. प्लूरल नाउन के लिए दे का यूज किया जाएगा. दे डांस्ड विथ जॉय. नेक्स्ट डज मीना नो द वे टू द रिवर. मीना इज अ फीमेल. सो वी विल यूज हियर शी. डज शी नो द वे टू द रिवर. नेक्स्ट सेंटेंस इज मनी वॉज अ टॉल बॉय. मनी इज अ बॉय. यहाँ पर मनी बॉय है मीन्स मेल है तो हम मनी की जगह पर ही का यूज करेंगे. ही वॉज अ टॉल बॉय. नेक्स्ट द कार हैज अ ब्रोकन विंडो. हियर अंडरलाइन वर्ड इज द कार एंड कार इज अ व्हीकल मीन्स अ थिंग. सो वी विल रिप्लेस द कार विद द प्रोनाउन इट. हम कार की जगह पर इट का यूज करेंगे. इट हैज अ ब्रोकन विंडो. नेक्स्ट इज द हेड मिस्ट्रीज स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन. हेड मिस्ट्रीज मीन्स फीमेल और फीमेल्स के लिए हम शी प्रोनाउन का यूज करते हैं. शी स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स ट्राई 6. मेक करेक्ट सेंटेंसेस बाय क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग प्रोनाउंस. यहाँ पर प्रोनाउंस दिए हैं, जो रॉन्ग प्रोनाउन है उसे क्रॉस करके करेक्ट बनाना है. लेट्स सी दिस टेबल वंस मोर टाइम. मी यू हिम हर एंड इट आर द सिंगुलर प्रोनाउंस. मीन्स इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम ये प्रोनाउंस यूज करेंगे. एंड इफ वी हैव द प्लूरल सब्जेक्ट देन वी विल यूज मीन्स प्लूरल नाउंस देन वी विल यूज अस यू एंड देम. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज डैडी वेंट टू द मार्केट विथ हिम ही. हियर यहाँ जो हमारा प्रोनाउन दिया है हिम और ही, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर दिया है तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा ही नहीं यूज किया जाएगा, हिम का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट आई मी लव प्लेइंग द गिटार. यहाँ मी
इज अ रॉन्ग प्रोनाउन एंड आई इज करेक्ट प्रोनाउन बिकॉज We have pronoun at the place of subject. यहाँ subject की जगह पर हमें pronoun use करना है तो हम I का use करेंगे me का नहीं. Next, this is a present for she, her. इस sentence में pronoun हमारा object की जगह means sentence की last में जा रहा है तो हम she की जगह पर her का use करेंगे. Means the correct sentence. This is a present for her. You must take them to Delhi tonight. यहाँ भी हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज हो रहा है. सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है और ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो हमें स्टार्टिंग में प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे हैं. इस सेंटेंस में बीच में मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज किया गया है तो हम वहां पर दे का यूज न करके देम का यूज करेंगे. मीन्स द करेक्ट सेंटेंस इज यू मस्ट टेक देम टू दिल्ली टुनाइट. नेक्स्ट, व्हाट अ सरप्राइज टेक केयर फॉर वॉज फॉर अस वी. अब यहाँ प्रोनाउन कहाँ यूज किया जा रहा है सेंटेंस के लास्ट में मीन्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट देन वी विल यूज अस नॉट वी. नेक्स्ट, दे देम लव प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडेज. हियर वी आर यूजिंग प्रोनाउन्स एज अ सब्जेक्ट. यहाँ प्रोनाउन्स सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ पर दे का यूज करेंगे नॉट दे. मीन्स द सेंटेंस इज दे लव प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडेज. नेक्स्ट, ही इज अ मिजरली रेस्टोरेंट ऑनर. ही इज अ माइजरली रेस्टोरेंट ऑनर. हियर अगेन वी आर यूजिंग द प्रोनाउन्स इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट. यहाँ फिर से प्रोनाउन्स कहाँ यूज की जा रहे हैं सब्जेक्ट की प्लेस पर. हम ही हीम इज इनकरेक्ट प्रोनाउन एंड ही विल बी अ करेक्ट प्रोनाउन एंड द सेंटेंस इज ही इज अ माइजरली रेस्टोरेंट ऑनर. नेक्स्ट, वी अस मस्ट हेल्प द पुअर मैन. यहाँ भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किया जा रहा है तो हम वी का यूज करेंगे एंड वी विल से वी मस्ट हेल्प द पुअर मैन. मीन्स अगर हम प्रोनाउन्स को जब चेंज करते हैं और प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चेंज हो रहा है तब हम वहां मी यू हिम हर इट अस यू और देम का यूज करेंगे और अगर हमें प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की प्लेस पर मीन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में अगर करना है तब हम आई यू ही शी इट वी यू दे इनका यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज माई टर्न 3 फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2. Underline the pronouns in the sentences one has been done for you. Here we have some sentences. You all have to find the pronouns and underline them. First sentence is Krishna knew that Kalia was in the river. He threw the ball in the river. यहाँ पर he pronoun है तो यहाँ आपको underline करना है. Next, Krishna's friends scolded him. They told him not to go near the river. In this sentence, this him, him, they are the pronouns. So, you have to underline all these pronouns. Next, Kalia was a strong snake, but it was not stronger than Krishna. Next sentence, Krishna saw his friends and threw the ball to them. Kalia realized that Krishna was no ordinary boy. He was a superpower. Next, Krishna's mother was scared when she heard what had happened. Her son was in trouble. Next, Krishna told Kalia, "You have been troubling the people of village. Now I will defeat you." Kalia said, "Please forgive me." Krishna's friends rushed to him. "We are so happy that you are safe," they said. Krishna went to his mother and hugged her. In all the sentences, you have to find all the pronouns and underline them. The next exercise is my turn 4. Choose the correct pronoun from the brackets to fill in the blanks one has been done for you. यहाँ पर ब्रैकेट्स में करेक्ट प्रोनाउंस दिए हैं उनमें से करेक्ट को प्रोनाउंस में से एक करेक्ट प्रोनाउन चूज करके आपको फिलअप्स में कंप्लीट करना है. बट रिमेंबर वन थिंग, अगर हम
प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज कर रहे हैं, मीन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं, तब हम आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू और दे का यूज करेंगे. एंड इफ वी आर यूजिंग प्रोनाउंस एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर मीन सेंटेंस की लास्ट में अगर हम प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, देन यू विल यूज मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम. Let's read the sentence. I, me, would like to invite he, him to my birthday party. इस सेंटेंस में यहाँ हमें प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज करना है. Then we will use I, not me. And here we have to use pronoun at the place of object. Then we will use him, not he. Next, her, she is wearing the blue dress that I gifted she, her. We, us, are going to watch a play. Rohit is coming along with us, we. Them, they are going to rob that bank. Let's stop they, them. He, him, wants I, me, to join he, him in the playground. I, me, think they will ask we, us. To present flower to her, she, when her, she arrives. Next, will you, I, join me at my house? She, her, says she has lost she, her way home. Can we, us, help she, her? She will thank we, us. Does him, he, know how to use the computer? Maybe you can show he, him. Now this is your worksheet and you all have to note down this worksheet in your worksheet copy. And if you have all the books, then you will do this worksheet in your books.